अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपके दुआ से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। फ्रेंड, तो अभी दोपहर के 3 बज रहा है, तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबका खाना पीना हो गया, बच गया है बर्तन धोना। तो अभी जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए, बर्तन धो लेती हूँ फिर आप सबसे मिलती हूँ। फ्रेंड, तो सारा बर्तन धो के सेट कर दी हूँ और किचन को भी साफ़ कर ली है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपके दुआ से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। खरगोश को खाना देने के लिए आई हूँ मैं और अदीबा। खरगोश देखिए बाहर में घूम रही है और बच्चा अंदर में है, तो अंदर से बाहर निकलेगा बच्चा तभी तो खाना खाएगा। तो अदीबा दे रही है खाना, अभी तक बच्चा नहीं बाहर निकला है। हाँ, उसके अंदर रोटी दे दी हूँ, बच्चा निकलेगा तो आप सब भी देख लेना। हाँ, निकल रहा है बच्चा, देखो गेट पर आ गया। हाँ, आ गया। खाना दिए तो देखिए बच्चा अंदर से अब निकल रहा है बाहर खाना खाने के लिए। माँ बाहर में खा रही है और बच्चा अंदर में ही है, बाहर नहीं निकल रहा है। बिल्ली को देख लिया है ना, इसीलिए बाहर नहीं निकल रहा है। देखिए खरगोश बच्चा को बुला रहा है बाहर। देख चुके हैं तो अब हम खेलने के लिए जा रहे हैं। तो गुलाब का फूल दिखाएंगे आपको, हम एक गुलाब का फूल दिखाएंगे और पेड़ भी उसका बहुत बड़ा। उधर देखिए आज कितना गुलाब का फूल प्यारा है, इसको हम अच्छा से साफ कर देते बहुत दिन से। फ्रेंड, मुर्गा मुर्गी के साथ देखिए गिलहरी भी खाना खाने के लिए नीचे उतरा है। फ्रेंड, तो कपड़ा धूप में डाले तो देख लेती हूँ कपड़ा सूखा या नहीं। फ्रेंड, तो अभी कपड़ा नहीं सूखा है तो अभी नीचे जा रही हूँ। फ्रेंड, तो आज धूप हल्का हुआ था इसीलिए कपड़ा नहीं सूखा, सुबह में ही डाल दिए थे सूखने के लिए, लेकिन अभी तक सूखा नहीं है। तो अभी जा रही हूँ नीचे, एक घंटे के बाद फिर आऊँगी देखने के लिए सूखा या नहीं। एक घंटे के बाद तो शाम भी हो जाएगा तो उठा लूँगी कपड़ा को। बकरा खाना खा के छोड़ दिया है, तो देखिए खरगोश खाना खा रहा है। फ्रेंड, मैं गाजर खा रही थी तो देखिए खरगोश मांग रहा था, खरगोश को गाजर खिला रही हूँ। फ्रेंड, तो शाम हो गया है तो कपड़ा लेने के लिए छत पे आई हूँ। फ्रेंड, देखिए अभी का मौसम बहुत ही प्यारा है। फ्रेंड, तो कपड़ा उठा लिए, अब जा रही हूँ नीचे। फ्रेंड, तो मैं आ गई हूँ किचन में और देखती हूँ सब्जी में अम्मी क्या लेकर आई है। मूली है, सोयाबीन है और बहुत सारा सब्जी नीचे में है, निकाल लेती हूँ सबको। फ्रेंड, अम्मी आग जला कर बैठी हुई थी तो मैं भी आ गई हूँ आग के पास बैठने के लिए। फ्रेंड, बहुत देर से आग के पास बैठी हुई हूँ, अब जा रही हूँ किचन में खाना की तैयारी करने के लिए। फ्रेंड, तो मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए, तो भाई भी आ गया है। भाई बोला आज मैं पास्ता बनाऊँगा सबके लिए, तो भाई सबके लिए पास्ता बना रहा है। फ्रेंड, तो भाई सबके लिए पास्ता बना रहा है, तो मैं जा रही हूँ सब्जी काट लेती हूँ और आटा भी गूंद लेती हूँ। फ्रेंड, तो अभी बना भी नहीं है पास्ता और अदीबा प्लेट लेके पहले से है, मम्मा मुझे दे दो, मुझे अभी खाना है, थोड़ा सा दे दो फिर बाद में खाएंगे, बन जाएगा तो अभी ही दे दो थोड़ा सा। तो भाई अदीबा को डांट भी रहे फिर भी वो नहीं मान रही है, बहुत ही बदमाशी कर रही है। अदीबा वैसे भी ये मम्मा का बहुत ही लाडली है, तो बहुत लाड़ प्यार करते रहती है, और भाई भी बहुत प्यार करता है मेरी बेटी से, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह ऐसा भाई सबको दे। फ्रेंड, तो कोई भी मुसीबत हो या परेशानी हो तो मेरा भाई हमेशा साथ रहा है हर वक्त। अम्मी अब्बू तो साथ है ही, और मेरा ये छोटा वाला भाई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। को अपना बना कर देखा तुम्हें दिल।
माय यूट्यूब फैमिली, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग तो वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को तो सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। फ्रेंड, तो वीडियो कैसी लगती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, तो भाई पास्ता बना लिया, आप सबको जा रहा है देने के लिए, और मैं सब्जी बना रही हूँ। अम्मी बोली है कि खीर भी बना लेने के लिए, तो खीर भी चढ़ा। फ्रेंड, तो दिन वाला दूध जो है सो बहुत बचा हुआ था, तो अम्मी बोली कि दिन वाला बचा हुआ है दूध तो कोई खाएगा नहीं, तो खीर बना लेंगे तो सब लोग खा लेंगे। तो बस खीर बन के तैयार हो चुका है, देख सकते हैं आप सब, खीर बन गया है और अभी सब्जी नहीं बना है, सब्जी बनने में टाइम। फ्रेंड, तो बहुत बड़ा एक टेंशन हो गया है, खरगोश का बच्चा जो है उसको अगर जाल में रखती हूँ तो वो अपनी माँ को ढूंढता है, अगर उसको घर में डाल देती हूँ तो देखिए सब बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद बिल्ली भी रहता है, तो बिल्ली भी देख लिया है तो वो ले जाएगा सब बच्चा को। तो खाना भी बनाती हूँ, बार बार देखने के लिए भी आती हूँ कि बच्चा बाहर है या अंदर। बच्चा बाहर रहता है तो इसको पकड़ के अंदर डाल देती हूँ ताकि बिल्ली ना पकड़े। खाना भी दे दिए फिर भी देखिए बाहर घूम रहा है फ्रेंड, और बिल्ली भी देख लिया है बच्चा को, तो बार बार वो आता है यहीं पे आके बैठा हुआ है कि अकेले में अगर मिले तो वो बच्चा को ले जाएगा। तो बहुत बड़ा टेंशन है, अब क्या किया जाए, बार बार इसको देखना पड़ता है, इसको अंदर रखना पड़ता है और ये बाहर निकल जाता है, देखिए माँ को देख। फ्रेंड, तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, अगले ब्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।